सभी पशुपालक भाइयों को डॉक्टर गोविंद नारायण पुरोहित का नमस्कार। राम राम दोस्तों। जो है आपको एक बहुत गंभीर समस्या से रूबरू होना पड़ता है, खास तौर से जो पशुपालक जो है वो अमेरिकन गायें रखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा इसे रूबरू होते हैं। वो है फोराव की समस्या। तो हम आज चर्चा करते हैं कि फोराव की समस्या में कमी लाने के लिए, उससे बचने के लिए पशुपालक क्या करें। जो चिकित्सक को कार्य करना है वो तो चिकित्सक को करने दे, लेकिन पशुपालक भी अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं जिससे कि खुराव की समस्या में आपके कमी आएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुराव, जो पशु खुराव कर रहा है उसका, आप जब वो गर्मी में आता है तो उसका स्त्राव देखें। अगर उसका स्त्राव साफ कांच की तरह चमकदार और लटकता हुआ होगा तो वो खुराव की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसका जो स्त्राव है वो मटमैला हो या उसमें फिदड़की हो या बहुत पतला हो, तो ऐसे पशु को आपको चिकित्सक को पहले बताना चाहिए कि ये इसमें ये समस्या है, और वो उसका उपचार करेगा तो ये समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरी बात, आप जब पशु को, अपने पशु को चिकित्सक के पास वीर्यदान के लिए ले जाते हैं तो उसे भगाते हुए, दौड़ाते हुए, मारते हुए नहीं ले जाएं, और आराम से उसे ले जाएं। और पशु यदि रात को बोला है तो सुबह वीर्यदान के लिए ले जाएं, सुबह बोला है तो आप उसको शाम को वीर्यदान के लिए ले जाएं, ताकि जो है आपके पशु जो है उसके गर्भ ठहरने की जो है संभावना बढ़ जाए। दूसरी बात एक और है कि अगर जो है गर्मी का मौसम है तो पशुओं का गर्मी से बचाव करें, बहुत ज्यादा धूप में उसको नहीं खुला छोड़ें, और जो है अगर पशु को गर्मी के मौसम में अगर सुबह शाम एक बाल्टी पानी से आप नहला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको चाटा जो देते हैं वो सुबह सुबह दें, अल सुबह दें, भरी दोपहर में चाटा नहीं दें, ताकि उसके शरीर में ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा पैदा नहीं हो और खुराव की समस्या में कमी आए। फिर अगर पशु को आप चूरी खिला रहे हैं तो कुछ समय के लिए, आप चूरी जो है उसमें बहुत प्रोटीन होता है तो वो प्रोटीन की मात्रा को आप कुछ समय के लिए कम कर दें। फिर जो है अगर आपका पशु लंबी हीट में रहता है, मान लीजिए आपका पशु 2 या 3 दिन तक हीट में रहता है, तो उसे रोजाना जब तक वो हीट में रहता है या तो बार बार उसका वीर्यदान करवाएं, अथवा आप चिकित्सक से परामर्श करके उसका उपचार करवाएं ताकि वो लंबी हीट में हो तो भी वो ठहर जाए। फिर कुछ पशु जो है बहुत जल्दी जल्दी हीट में आते हैं, जैसे कि 10-12 दिन से ही हीट में आते हैं या 7 दिन से ही हीट में आ जाते हैं, तो ऐसे पशुओं में ओवेरियन सिस्ट की संभावना होती है, तो आप उसका पहले उपचार कराएं, उसके बाद ही उस पशु को है कैबिन का टीका लगवाएं तो कि वो पशु आपका ठहर जाए। फिर एक कुछ छोटे मोटे उपचार आप कर सकते हैं जिससे कि आपका पशु जो है वो ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। एक जो है आसान सा तरीका है कि पशु का आपने वीर्यदान करवा लिया है और उसके 8 से 10 दिन बाद आप उसको 50 ग्राम मछली का तेल रोजाना खिलाएं। मछली का तेल में डाइकोसा हेक्सोनोइक एसिड होता है और वो पशु के गर्भ जो है ठहरने में सहायता करता है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और पशु जो है उसको सही समय पर गर्भाधान करवाएं, ऐसा नहीं हो कि आप जो है पशु गर्मी में तो कल आया था और आज उसको वीर्यदान करवाने ले जा रहे हैं, कल सुबह अगर गर्मी में आया था आज उसको वीर्यदान करवाने ले जा रहे हैं, तो आप सही समय पर गर्भाधान करवाएं, उसे मारते दौड़ते भगाते नहीं ले जाएं, और उसको जो है आप ठंडा रखें। अगर हरा चारा आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके क्षेत्र में हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो आप उसको जो पशु को जो चाटा दे रहे हैं कुल चाटे का 1% जो है आप उसको मिनरल मिक्सचर हमेशा दें, तो आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा और खुराव की समस्या में कमी आएगी। आशा करता हूं कि इन छोटी छोटी बातों से आपकी इस समस्या में कमी आएगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।